हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। हमारे इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एसएससी, बैंक, सीडीएस और नेवी, कैट, इन सारे परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी जो नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिलता है। खास करके हम आपके लिए इंग्लिश के लिए स्पेशल वीडियोज लेकर आ रहे हैं कुछ सीरीज में, जैसे की आज के इस वीडियो के जरिए हम शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि idioms and phrases का ये first chapter का जो class है, ये related है colors से। जी हाँ, रंगों से related जो मुहावरे होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है आज हम वो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज सबसे पहला जो मुहावरा है वो क्या है। चलिए, तो फर्स्ट है ब्लू आइड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? ब्लू आइड, ठीक। तो ब्लू आइड का मतलब क्या? नीली आंखें। ब्लू आइड दरअसल होता है जो बहुत ही ज्यादा आपका फेवरेट हो, यू नो, पसंदीदा, ठीक है। जो आपका पसंदीदा हो उसे हम लोग कहेंगे क्या? ब्लू आइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ब्लू आइड को हम किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा यूज करेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वेरी लवली टू समवन, यानी किसी भी व्यक्ति से जो काफी क्लोज हो, ठीक है, किसी के दिल के काफी करीब हो। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा मुहावरा, दूसरा आइडियम, ये है ब्लू अराउंड द गिल्स, ठीक है। तो ब्लू अराउंड द गिल्स का मतलब क्या होता है? सिक और अनवेल, ठीक है। यानी कि जो भी इंसान बीमार है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लू अराउंड द गिल्स। आपने देखा होगा कि ये जो गिल्स है, ठीक है, ये गिल्स मछलियों में पाया जाता है। अगर आप मछली खरीदते होंगे और उनके जैसे ये फिश है ना, मान लीजिए एक मछली का हम लोग ड्रॉइंग देखते हैं, ठीक है। हालांकि मेरी ड्रॉइंग बिल्कुल ही खराब है। अभी ये जो गिल्स यहाँ पे होती है ना, अगर ये रेड कलर की है तो समझ लीजिए कि मछली जो है, फिश जो है, वो ताजी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो मछली का जो गिल्स है वो अगर नीले रंग का है, ब्लू कलर का है, तो इसका मतलब है कि मछली क्या है? खराब है, सड़ी हुई, ठीक है। तो इसी तरह से जो इंसान जो होते हैं ना, उनको भी अगर वो बीमार महसूस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ब्लू अराउंड द गिल्स है। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा फ्रेज, तीसरा आइडिया, ये है ब्लू कॉलर, ठीक है। तो ब्लू कॉलर क्या होता है? ठीक, तो ब्लू कॉलर का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए, ठीक है ना। तो ब्लू कॉलर बेसिकली हम कहते हैं जो मजदूर वर्ग होते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर का मतलब क्या होता है? जो लेबरर्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लू कॉलर उन्हें कहते हैं जो कहीं पे मजदूरी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा या इसका मीनिंग हो जाएगा लेबरर्स, ठीक है, मतलब मजदूर वर्ग। अब देखते हैं फोर्थ आइडियम, ये फील ब्लू, ठीक है। तो जब भी आप उदास महसूस करें, ठीक, जब भी आप सैड महसूस करें, यानी कि आप क्या फील कर रहे हैं? डाउन अगर फील कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, तो आप हैं क्या? फील ब्लू कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हैं? ब्लू, यानी कि इसका मीनिंग अगर हम समझें तो इसका मीनिंग होगा टू फील सैड। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो, ये है इन द ब्लू, ठीक है। तो इन द ब्लू का मतलब क्या होता है? इन द ब्लू का मतलब होता है कोई भी मेहनत जो आपका बेकार चला जाए, यानी यूजलेस चला जाए, यानी कि वो समंदर में चला गया या पानी के साथ बह गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे इन द ब्लू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नंबर सिक्स, ये है आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू का सेंस बड़ा अच्छा है। ये होता है कि अचानक से, यू नो, आपने जो सोचा नहीं है अगर वो हो जा रहा है तो वो घटना आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है, यानी अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नंबर सेवन, ब्लू ब्लड। कोई राजा महाराजा के खानदान का है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड। यानी कि ब्लू ब्लड का मीनिंग क्या होगा? ऑफ अ रॉयल फैमिली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर एट, ब्लू बियर्ड। ब्लू बियर्ड यानी कि नीली दाढ़ी, अगर नॉर्मल सेंस निकाला जाए तो, लेकिन नहीं, इसका एक चूंकि इडियम है, इसका जो डिफरेंट मीनिंग है, इसका जो हिडन मीनिंग है वो है अ मैन हु हैज सेवरल वाइव्स, एक ऐसा पुरुष जिसकी कई पत्नियां हैं, ठीक है। खास करके ध्यान रखिएगा, ब्लू बियर्ड हम जनरली वैसे शख्स के लिए लगाते हैं जो अपनी पत्नियों की हत्याएं करते जाते हैं और अगली शादी करता जाता है, उस सेंस में भी हम ब्लू बियर्ड कहते हैं वैसे पुरुष को। चलिए अब देखते हैं नंबर नाइन, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब, बोल्ड का मतलब क्या होता है बताइए? एनी आइडिया? बोल्ड का सेंस जो होता है ना वो होता है बिजली, ठीक है, जो आसमान से जो बिजली गिरती है ना उसे हम कहते हैं बोल्ड, ठीक है। अब ब्लू जो है वो आसमान को, स्काई को रेफर करता है, तो ये जो बिजली गिरती है वो अचानक गिरती है ना, तो इसलिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? अ सडन मिशर, यानी अचानक से आई हुई विपत्ति या आपदा या कोई
जिसे हम लोग कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। चलिए अब देखते हैं नंबर 10, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, जैसे ब्लैक एंड ब्लू का सेंस जो होता है ना, वो होता है क्या, वेरी बैडली। मान लीजिए किसी इंसान ने किसी को बुरी तरह से मारा, एक आंख को ब्लैक कर दिया, दूसरे को ब्लू कर दिया, यानी ब्लैक एंड ब्लू मारा, यानी कि बुरी तरह से पीटा। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब वेरी बैडली। अब देखते हैं नंबर 11, रेड इंक। रेड इंक का सेंस होता है आर्थिक नुकसान, यानी फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 12, इन द रेड। ठीक है, हालांकि देखिए आप समझते होंगे जो रेड जो कलर होता है वो किस चीज का सिंबल होता है, रेड जो होता है वो किस चीज को दिखाता है, खतरे को। ठीक है, तो इन द रेड का जो सेंस है वो यही है। ठीक है, क्या, इन डेंजर, यानी कि खतरे में। अब देखते हैं नंबर 13, टू सी रेड। मान लीजिए कि कोई सांड किसी को लाल रंग के कपड़े में देख लेता है तो क्या होता है, वो भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, यानी कोई इंसान भी अगर किसी को देखकर भड़क जाए तो उसने समझ लीजिए क्या किया, ही सॉ रेड। तो टू सी रेड का मतलब क्या हो गया, टू बिकम एंग्री। अब देखते हैं नंबर 14, रेड टेपिज्म। ठीक है, लाल फीताशाही इसे कहते हैं। ठीक है, तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, टू मच ब्यूरोक्रेसी, जहां पे अधिकारियों का बोलबाला हो उसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म। अब देखते हैं नंबर 15, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है, ध्यान रखिएगा, टू पेंट द टाउन रेड। फिर से देखिए रेड कलर की बात हो रही है ना। ठीक है, तो टू पेंट द टाउन रेड का सेंस क्या होता है, शहर को लाल रंग से रंगना, जी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही मस्ती करना, टू हैव फन, टू हैव फन, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 16। नंबर 16 है अ रेड लेटर डे। काफी आसान है, आप सब जानते हो जिस तरह से कैलेंडर अगर आपको देखते हैं तो जो जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो लाल रंग से देखिए लिखे रहते हैं रेड फॉन्ट में, तो यही होता है एन इंपॉर्टेंट डे। अब देखते हैं नंबर 17। नंबर 17 है रेड कार्पेट। ठीक है, रेड कार्पेट, जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत दिया जाता है उसे रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है, इसलिए रेड कार्पेट का मतलब क्या होगा, अ वार्म वेलकम। ठीक है, चलिए यानी गर्म जोशी से स्वागत। नंबर 18, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का बेसिक सेंस होता है जो चीज अपनी असली स्थिति से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ब्लैकआउट का मतलब हो जाएगा बेहोश हो जाना, यानी कि फेंटेड, या फिर जो अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, नंबर 19 देखते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप अधिकारी बन जाएं तो आप किसी से भी, आप कोई भी चीज मांगेंगे, कोई एप्लीकेशन, तो आप इन रिटर्न मांगेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप उसे कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि इन राइटिंग। ठीक है, लिखित में, डॉक्यूमेंटेड। नंबर 20, ब्लैक मूड। ठीक है, तो ब्लैक मूड, जब आपका मूड ब्लैक है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आप गुस्से में, एंग्री, यानी कि आप एक गुस्से के मूड में, इसलिए आपके पास ब्लैक मूड है। यानी ब्लैक मूड का मतलब क्या हो जाएगा, एंगर, यानी कि क्रोध, यानी कि गुस्सा। देखते हैं नंबर 21, अ ब्लैक शीप। ठीक है, काला भेड़। हालांकि देखिए नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो शीप किस कलर की पाई जाती है, व्हाइट, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शीप को ब्लैक कहा जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक शीप का जो सेंस होगा वो क्या होगा, अ ब्लैक शीप का मतलब हो जाएगा जो स्ट्रेंज हो, यानी कि जो ऑड वन आउट, समझ रहे ना, कनिंग, धूर्त, जो अलग टाइप का हो। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में जो यू नो परिवार का कोई एक सदस्य होता है ना जो नाराज रहता है, उसे हम कहते हैं क्या, अ ब्लैक शीप। देखते हैं नंबर 22, अ व्हाइट लाई, सफेद झूठ। जी हाँ, सफेद झूठ का मतलब होता है ऐसी झूठ जिससे किसी का अहित ना हो, नुकसान ना हो, यानी अ लाई दैट डजंट हार्म एनीवन। अब देखते हैं नंबर 23, अ ब्लैक टाई इवेंट। ठीक है, ब्लैक टाई इवेंट मतलब फॉर्मल इवेंट, कोई भी जो आधिकारिक जो कार्यक्रम होता है या यू नो इवेंट होता है उसे हम कहते हैं अ ब्लैक टाई इवेंट। नंबर 24 है व्हाइट कॉलर, जैसे ब्लू कॉलर हमने समझा था ना, ब्लू कॉलर क्या था, मजदूर वर्ग। ठीक है, तो व्हाइट कॉलर क्या होगा, एलिट क्लास, यानी हाई क्लास। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी इडियम। ठीक है, ये है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, दैट इज ग्रीन थंब। ओके, इसे हम ग्रीन फिंगर्स भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी तक हमने जो समझा, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध था कलर्स से, रंगों से। हर मुहावरे में हमने एक रंग का यूज किया, कलर का यूज किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी यूजफुल नजर आया होगा, यूजफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर अपने फ्रेंड्स के बीच। ठीक है, और पूरी वीडियो देखिए, और आप जितना ज्यादा इसको रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, तो आप 100% देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और यूजफुल चीजें लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। हमारे सभी सीरीज को आप जरूर देखें और इसका फायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।